सर्वेश कुमार, भारतीय किसान यूनियन संयोजक, जनपद रायबरेली। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का आभार स्वागत करते हुए मैं अपने क्षेत्र की और जिले जनपद की पूरे जनपद के किसानों और नागरिकों को दीपावली, भैया दूज और कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जनपद में नवनियुक्त हमें जो है जिला संयोजक घोषित किया गया है 27 तारीख को। उसके पहले जनपद रायबरेली में पूर्व जिला अध्यक्ष लाला चौधरी और संतोष कुमार जी हुआ करते थे, जिनका जो है 12 पिछली 12 इस 12 तारीख को जो है उनको मंडल सचिव घोषित कर दिया गया। उसके बाद 27 को सर्वेश वर्मा को संयोजक मुझे बनाया गया। फिर जो है स्थिति ये आई कि हमने 30 तारीख को अपने लेटर पैड पर जिला अधिकारी महोदय रायबरेली और प्रेस रिपोर्टरों को जो है हमने अवगत कराया, जिला कार्यकारी तहसील, जिला और ब्लॉक को भंग कर दिया। उसके बाद 31 तारीख को हमारे जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान मंडल सचिव ने जो है अपने पुराने लेटर पैड का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हमारी भंग की हुई कार्यकारी का जिला कार्यकारी फिर से गठित कर दिया, जिसमें किसानों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। दूसरी बात ये हुई कि उसके बाद जो है उनको लेटर पैड के माध्यम से जो है वो उनको प्रवक्ता प्रदेश भारतीय किसान यूनियन आलोक वर्मा जी ने एक लेटर जारी किया, जिसमें उनसे इस लेटर पैड के इस्तेमाल के बारे में जो है इससे वो मांगा गया स्पष्टीकरण। हमें अपने किसानों से अपील करना है कि जो भारतीय किसान के हमारे टिकैत के साथी हैं वो इन तरह के भ्रामक बातों में ना आए, वो इस तरह के जो कमेंट बाजी हो रही हैं मोबाइलों में उस पर गौर ना करें, वो भ्रमित ना हो और अपने संगठन को मजबूती देने के लिए 8 तारीख को आगामी 8 तारीख को वो जो है ये अचलेश्वर मंदिर में होने वाली जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है वहाँ की बैठक में वो शामिल हों और वहाँ पर नई कार्यकारी के विस्तार पर चर्चा होगी। और इस बार जो है जो मासिक बैठक तारीख को वो बैठक जो है वहाँ न होकर के अचलेश्वर सौराहा हरचंदपुर धरना स्थल पर ही होगी। आप भारी से भारी संख्या में सभी किसान वहाँ पहुंचे ताकि जो है नए संगठन की गति मिल सके, यही हमारा उनसे अपील है। और प्रशासन को भी मैं अवगत कराना चाहूँगा कि वर्तमान में सिर्फ जिले में भारतीय किसान जनता संयोजक का पैड चलेगा और इसके बाद जो है इसके अलावा अगर कोई पैड इस्तेमाल अपना करता है तो वो गलत माना जाए, उस पर गौर न किया जाए, उसको जो है निष्क्रिय माना जाए, ये हमारे प्रशासन से भी अपील है। इसके अलावा मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से ये कहना चाहूँगा कि जिले में जो ज्वलंत समस्या है DAP खाद की, पोटाश की, यूरिया की, इसको बुआई का समय आ गया है, इसको तत्काल प्रभाव से 1 सप्ताह के अंदर जो है उपलब्ध कराया जाए सभी सहकारी समितियों में, अन्यथा जो है जिले का किसान जिला कृषि अधिकारी का घेराव करने के लिए किसी दिन भी बाध्य हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी भी शासन प्रशासन की होगी। दूसरी बात है समस्याएं हैं बिजली की, नहर में पानी की और जो है जहाँ पे धान खरीद केंद्र नहीं है वहाँ पे धान खरीद केंद्र खुलवाए जाए ताकि किसान जो है आसानी से अपने धान की उपज पा सके, दाम पा सके। इसके अलावा और मैं यही फिर से कहूँगा कि बस बहुत लंबा लगन के चूंकि 4 मिनट तो है संगठन की मजबूती के लिए मैं सभी पुराने और नए साथियों का आह्वान करूंगा
कि वो 8 तारीख को आगामी 8 नवंबर को वो अचलेश्वर मंदिर के पास में जो है चौराहा है वहाँ धरना चल रहा है, जिस कारण वहाँ पे भारी से भारी संख्या में पहुँचने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको कोई सवाल पूछने हैं तो